ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का पुनः हमारे चैनल पर। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे सब्जेक्ट पे, एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो कि हम सभी उस चीज से अनजान थे। गरीबता, क्लेश, घर पे लड़ाई, मारपीट, आपस में मन मुटाव, लाख प्रयास करने के बावजूद भी घर में एक जो प्यार का माहौल, आपसी भाईचारे का माहौल, एक अच्छे रिलेशन का माहौल होना चाहिए, नहीं हो पाता। क्या कारण है कि घर पे कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है? और ऐसी स्थिति में अगर हम किसी के पास जाते हैं तो कोई बोलता है पितृ दोष है, कोई बोलता है भूमि दोष है, कोई बोलता है किसी ने कुछ करा रखा है। आप खुद ने डिसीजन कर पाते हैं कि आखिर हकीकत क्या है, कारण क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हकीकत जानने के लिए हमारे चैनल पे कि आपके घर में तंत्र है, मंत्र है, क्या कराया है, पितृदोष है, जादू टोना है, इसके लिए हमारे चैनल पे एक वीडियो पड़ी हुई है। आप उस वीडियो को देखकर उस उपाय को कर पता लगा सकते हैं कि आपके घर में वास्तविक में बाधा क्या है। लेकिन हम आज ऐसी तीन निशानियां बताएंगे जिसके कारण आपके घर में परेशानी, जब तक उन निशानियों को, उन प्रॉब्लम को दूर नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। तो आइए, वीडियो शुरुआत तो हो ही चुकी है लेकिन उपाय बताने से पहले निवेदन करूंगा कि हमारे समस्त दर्शक, विश्व के सभी मानव जात के कल्याण के लिए ये जो हम प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास सिर्फ एक ख्यात बटोरने के लिए या अपना प्रचार प्रसार करने के लिए या मामूली धन उपार्जन करने के लिए नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य जो हमारी सनातनी विद्याएं हैं, जो प्रामाणिक चीज है, जो मैं आजमा लेता हूं, प्रैक्टिकली कर लेता हूं, वो सब आप लोगों के बीच शेयर करता हूं, ताकि ये हमारे जो विद्याएं हैं, हमारी जो धरोहर है, आप जैसे अच्छे लोगों के हाथ में सही सलामत रहे और ये लुप्त ना हो। आप भी जब धीरे धीरे अवस्था में जाएं, ये चीज प्रचार प्रसार करते चले जाएं। तो आइए मैं बताता हूं कि ये तीन निशानियां कौन है। एक बात और बता दें, बहुत से भाई बहन डिवोर्स की नौबत बन चुकी है, घर में बच्चे कहना नहीं मानते हैं, कोई रूठ कर चला गया है, यानी किसी प्रकार का आपका कोई अपना आपसे रूठा है, गुस्सा है, नहीं मानना या रिलेशन टूटने के कगार पे है। तो मैं बता दूं, ध्यान रखिएगा, ये इसलिए मैं बोल रहा हूं, लोगों की मानसिकता सोचेंगे गुरुजी कुछ अलग बोल रहे हैं, कुछ इसमें इनका स्वार्थ होगा, फायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप करो या मत करो, मैं कभी आपको प्रोत्साहन नहीं देता हूं, लेकिन बता रहा हूं, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप एक लिंक देखेंगे, वो बहुत ही प्रमाणिक है और एक दो नहीं बल्कि हजारों लोग आज सुखी जीवन जी रहे हैं, हमारी माताएं बहनें। तो आइए मैं बताता हूं वो तीन निशानियां कौन है। बहुत से लोग घर बनवाते वक्त एक चीज भूल जाते हैं, मुख्य द्वार जो होता है, मुख्य द्वार, ध्यान रखिएगा, मुख्य द्वार, आप मेन गेट बनाए, मेन गेट बनाने के बाद जब एंट्री आप घर में करते हैं तो उसका जो पोर्शन रहता है वो कभी डाउन नहीं करना चाहिए, यानी सीढ़ी नहीं देना चाहिए, एक दो स्टेप सीढ़ी देके उतरते हैं लोग, ये नहीं देना चाहिए, ये कभी आपको तरक्की नहीं देगा, ना आपके परिवार को तरक्की देगा, हमेशा नीचे की ओर ले जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत आप किसी के यहाँ हो ऐसा तो जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। नंबर दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, अगर आपके घर में
दक्षिण दीवार या दक्षिण पोर्शन पे सीलन बनी रहती है। सीलन अर्थात पानी का या दीवारों पे या वो हमेशा गीलापन बना रहता है, तो उस घर में लड़ाई, मानसिक कलेश, मानसिक डिप्रेशन, मानसिक आप परेशान रहेंगे, यानी मानसिक रोगों से परेशान रहेंगे, साथ ही घर में लड़ाई झगड़ा ये सब बना रहेगा, कलेश होगा। तीसरा कि आप अपने घर में अगर टूटे बेड, टूटी कुर्सियां या कोई भी फर्नीचर टूटा हुआ स्टोर करते हैं, या बर्तन जो टूटे होते हैं, या आप यंत्र जैसे वॉशिंग मशीन, मिक्सर, सिलाई मशीन, टीवी, रेडियो, ट्रांजिस्टर इत्यादि डैमेज जो हैं, मिस यूज, उनको कहीं स्टोर करते हैं, तो आपके ऊपर कर्ज बढ़ता चला जाएगा और आप परेशान रहेंगे। तो ये तीन उपाय मैंने बताया। अब इन तीनों से छुटकारा कैसे पाया जाए? आपको जो तीन स्टेप बाय सीढ़ी वाला बताया, इसको सुधार करिए। दीवार में अगर ये है, इसको सुधार करिए, और पुराने सामान जो डैमेज, इनको निकालिए। घर में आप चाहते हैं कि हम सुखी रहे, मेरा परिवार सुखी रहे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कर्ज ना रहे, तो आपको एक काम करना होगा। आज इस छोटे से उपाय को आज करिए, और ज्यादा नहीं, तुरंत कुछ नहीं। तो बहुत से हमारे दर्शक हैं, सोचते हैं गुरु जी आज मैंने टोटका किया, कल ही किया, आज कुछ हुआ नहीं। तो ऐसा सोचना व्यर्थ है, समय लगता है। कर्म अनुसार और प्रारब्ध अनुसार आपका जो होता है वो भोगना ही पड़ता है, और उतना समय टोटका भी लेता है, उपाय भी लेते हैं। तो जो उपाय मैं बता रहा हूं, अगर ये आप अपने घर में करते हैं, यकीन मानिए कि इन सभी चीजों से आप बहुत बहुत हद तक आराम मिलेगा, और आप तरक्की करते चले जाएंगे, आपके परिवार में सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे, खुश होकर रहेंगे, और काफी प्रोग्रेस करेंगे। तो उठाइए कॉपी पेन, लिख लीजिए, साथ साथ एक उपाय ये भी। जय माता की, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो आज जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं वो ये है कि आपको देसी कपूर हर महीने ये करना है। देसी कपूर 25 ग्राम लाल कपड़े में रखना है। देसी कपूर 25 ग्राम लाल कपड़े में रखना है, उसमें एक चुटकी केसर डाल देना है, ठीक है, एक चुटकी केसर डाल देना है। उसके पश्चात अष्टगंध आता है, अष्टगंध थोड़ा सा डाल देना है, और इसकी पोटली बना लेना है। अब आपके घर में जो रोशनदान हो, यानी ऊंचाई पे जो खुला हुआ स्थान हो जहां से एयर आती हो, इसको वहां टांग दीजिए। 15 दिन बाद उतार कर इसकी सामग्री सब उड़ जाएगी, इनको पुनः कहीं विसर्जन कर दीजिए, इसमें पुनः नहीं डालिए। ऐसे महीने में दो बार होगा, बदलना पड़ेगा। आप 3 महीने करके देखिए, प्रथम महीने से ही आप चमत्कार देखेंगे, और आपके घर में, यानी आपका परिवार, मेरा परिवार है, मेरा परिवार स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा, प्रसन्न रहेगा, और तरक्की करेगा, घर में मांगलिक कार्य होंगे, और साथ साथ मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ेगा, लक्ष्मी वास करेंगी, और आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। है ना चुक उपाय? अगर आपको अच्छा लग रहा हो कि ये व्यक्ति आपका भाई, गुरु, सेवक, समाज के लिए, देश के लिए, मानव जात के लिए अच्छा कार्य कर रहा है, तो आप हमारे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर दें, साथ ही बेल आइकॉन का जो ऑप्शन है उसको क्लिक कर दें, ताकि नई अपडेट हमारी आप तक पहुंचे। बेल आइकॉन को क्लिक करने का सबसे बड़ा ये फायदा है कि आपको हर नई वीडियो आप तक पहुंचेगी। और हमेशा की भांति एक निवेदन, तंत्र मंत्र और यंत्र के नाम पर किसी को एक रुपये ना दें, क्योंकि तंत्र मंत्र मानव जात की कल्याण के लिए बनाए गए हैं,
लोक कल्याण के लिए बनाए गए, ना कि इसका बिजनेस करने के लिए। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार यूं ही मिलता रहे। दीजिए रुद्र शरण महाराज को उत्तर प्रदेश अयोध्या से आदेश। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शिव शंकर।